नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। हम लोग जिस भी जानवर को पालते हैं उसे बड़े प्यार दुलार के साथ रखते हैं, लेकिन जब वही जानवर खूंखार बन जाए तो क्या करेंगे। ऐसी एक घटना सामने आई है जिसमें एक बच्चे पर लिफ्ट में कुत्ते ने हमला कर दिया। क्या कुछ हुआ इस मामले में, आइए दिखाते हैं आपको हमारी इस खास पेशकश में। लिफ्ट में बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, दर्द से कराहता रहा बच्चा, फिर भी नहीं पसीजा महिला का दिल। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। लोगों का कहना है कि जब जानवर आदमखोर हो जाए तो उसे काबू करने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इस महिला ने एकदम उल्टा किया। गाजियाबाद से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सोसाइटी की लिफ्ट में जा रहे एक बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। वहीं खड़ी महिला देखती रही और बच्चा दर्द से कराहता रहा। हैरत की बात तो ये है कि जो महिला लिफ्ट में थी उसी का कुत्ता था, लेकिन बच्चे को रोता देख भी महिला का दिल नहीं पसीजा। इस एक वीडियो ने आसपास के सभी लोगों को बेचैन कर दिया है। ये वीडियो गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र की राजनगर एक्सटेंशन चार्म्स काउंटी सोसाइटी का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 5 सितंबर शाम 6 बजे बच्चा ट्यूशन पढ़कर घर लौटा था, तभी लिफ्ट से फ्लैट जाते वक्त एक महिला अपना पालतू कुत्ता लेकर लिफ्ट में घुस गई। कुत्ते से बचने के लिए बच्चा लिफ्ट में गेट की तरफ आता है, इसी दौरान कुत्ता उसकी जांग पर काट लेता है। कुत्ते के काटने से बच्चे को इतना तेज दर्द होता है कि वो अपने पैरों को जमीन पर भी नहीं रख पाता है, लेकिन ये सब देखते हुए महिला चुपचाप खड़ी रहती है। महिला ने मासूम बच्चे को एक बार देखने की जहमत तक ना उठाई। महिला जैसे ही अपने फ्लोर पर लिफ्ट से बाहर निकलती है, वैसे ही कुत्ता एक बार फिर से बच्चे को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बच्चा किसी तरह से बच जाता है। वहीं पर सोसाइटी के लोगों का कहना है कि ये कुत्ता कई बार लोगों पर हमला कर चुका है, जिसकी शिकायत कई बार महिला से की जा चुकी है, लेकिन महिला की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब बच्चे के माता पिता ने इस बार भी कुत्ते के काटने की शिकायत की तो महिला उल्टा बच्चे के माता पिता पर भड़क गई और लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस वायरल वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही क्षेत्राधिकारी आलोक दुबे का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जरूरी कार्रवाई की जा रही है। गंगा जमुनी तहसीब से पहचाने जाने वाले अदब के शहर लखनऊ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर मिली कि शहर के पास इलाके में किसी ने दहशत फैलाने की साजिश रची है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मंदिर पर किया जिहादी हमला, फेक आईडी कार्ड लेकर मंदिर में घुसा युवक, युवक ने तोड़ी भगवान हनुमान की मूर्ति, जय श्री राम का नारा लगाकर खंडित की मूर्तियां, मंदिर में अराजकता फैलाने की रची साजिश। राजधानी लखनऊ में सांप्रदायिक हिंसा से प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाना सख्त मना है, फिर भी कुछ अराजक तत्व हैं जो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी में फेक आईडी कार्ड लेकर मंदिर में घुसकर मूर्ति खंडित करने का मामला सामने आया है। पुलिस को आरोपी के पास से शिवा नाम का आईडी कार्ड मिला है, जबकि आरोपी का नाम तौफीक है। आरोपी के पास से फेक आईडी मिलने के बाद ये पूरा मामला उलझ गया है। जैसा कि आपको मालूम है, आज लेटे हुए हनुमान मंदिर जो बहुत ही प्राचीन है, यहाँ पर कल रात में एक घटना घटी,
जिसमें ये हमारे शनिदेव जी की मूर्ति को खंडित किया गया, उसके बाद हनुमान जी की मूर्ति जो है उसको यहाँ खंडित किया गया, ध्वज जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ जो मंदिर के प्रांगण के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग हैं, इन्होंने बेहतर काम किया और बड़ी घटना होने से बचाया। लखनऊ पुलिस ने भी बेहतर काम किया, उसको अरेस्ट कर लिया, और करने के बाद कल रात में हम लोग ने उनसे बात की थी, प्रशासन के लोगों से, मंदिर की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लखनऊ के चौक क्षेत्र में लेटे हुए हनुमान मंदिर की दो मूर्तियों को खंडित करने के मामले ने शहर के माहौल को गर्म कर दिया है। बता दें कि हनुमान जी और शनि देव की मूर्ति को एक गैर समुदाय के शख्स ने खंडित कर दिया। वहीं इस मामले की भनक जैसे ही हिंदू संगठनों को हुई तो मौके पर पहुंच गए और अखिल भारत हिंदू महासभा, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर में जय श्री राम के नारे लगाए, साथ ही घटना को लेकर विरोध जताया। वहीं हिंदू संगठनों ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। संगठनों ने कहा कि जब तक आरोपी पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी वो डटे रहेंगे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने मौके पर पहुंचकर कहा कि अगर साजिश का खुलासा नहीं हुआ तो इसके लिए बड़ा आंदोलन किया जाएगा। थाना चौक क्षेत्रांतर्गत लेटे हुए हनुमान मंदिर परिसर में एक व्यक्ति द्वारा दो मूर्तियों का को क्षति पहुंचाया गया है। उस व्यक्ति को तत्काल मौके से गिरफ्तार कर गहराई से पूछताछ की जा रही है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल परीक्षण में नशे की हालत में होना भी पाया गया है। सभी एजेंसियों द्वारा बहुत गहराई से हर पहलुओं पे जांच की जा रही है, सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी देर रात मंदिर में पहुंचा और आरोपी ने अपना नाम शिवा बताया। इसके बाद जय श्री राम का नारा लगाते हुए मंदिर परिसर में घुस गया और उसके बाद सामने लगी हनुमान जी की मूर्ति को खंडित कर दिया। वहीं देखते ही देखते शनि देव की मूर्ति को भी आरोपी ने खंडित कर दिया। इसके साथ ही इस मामले को लेकर डीसीपी पश्चिमी जोन एस चिनप्पा ने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी के मुताबिक युवक के पास से आईडी कार्ड बरामद हुआ है जो कि किसी हिंदू व्यक्ति का है। हालांकि वो आईडी कार्ड उसके पास कैसे आया और किसका है इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल इस कड़ी में बस इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही अपराध जगत से तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।